दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईपीएफओ का जो ऑफिस है, आपका जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, और अगर आपका रीजनल ऑफिस में अगर काम नहीं बन पाता है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा चीज़ों में क्या होता है कि हम लोग रीजनल ऑफिस में दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और हम लोगों का काम नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाके कांटेक्ट करते हैं ताकि जो भी मेरा काम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ का एक ना एक रीजनल ऑफिस होगा, और उस वो जो रीजनल ऑफिस होगा उसके ऊपर वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा वो भी आपका कहीं ना कहीं होगा। तो बहुत सारा काम जो है नहीं हो पाता है ऑफिस में दौड़ लगाते लगाते, तो हम लोग हायर अथॉरिटी के पास कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कहाँ जाएं और किससे कांटेक्ट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का आपका ईपीएफओ का ऑफिस कहाँ है, जहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले epfindia.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सर्विसेज में ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पे लोकेट एन ईपीएफओ ऑफिस दिखा रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे लोकेट एन ईपीएफ ऑफिस करके आ रहा है। यहाँ पे आपका जो भी जिस भी स्टेट या जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके बाद पिन कोड अगर दे रहा है तो पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपका रीजनल ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया, साथ ही साथ में आपका ईमेल आईडी भी दिखा दिया, और इस ऑफिस का जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, एबव ऑफिसेस आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफिस, तो आपको यहाँ पे भी जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपका सुनवाई नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका रीजनल ऑफिस का एड्रेस है वो आ गया, और साथ साथ आपका ईमेल एड्रेस भी आ जाता है। और इस ऑफिस जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है तो ये देखिए यहाँ पे कोलकाता दिखा रहा है, तो आप यहां पे भी इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो भी रीजनल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसको आप कैसे सर्च कर सकते हैं और वहां पे जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहां पे मोबाइल नंबर नहीं दिया रहता है क्योंकि यहां पे टॉल फ्री नंबर देखिए यहां पे दिया रहता है, तो इस टॉल फ्री नंबर को आप यूज करके या तो आप SMS के द्वारा आप SMS भेज करके आप सारा जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और जा करके अपना प्रॉब्लम को यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आपको मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।